सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बालूमा थाना अंतर्गत चमातू कोल माइंस के पास स्थित ओजा ग्राम के पास अवैध रूप से भंडारण किए गए लगभग 550-100 टन कोयला डीएमओ ने जब्त कर ली। इसकी जानकारी देते हुए लातेहार डीएमओ आनंद कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर ओझा ग्राम के पास अलग अलग जगहों से लगभग 550-100 टन कोयला जब्त किया गया। जब्त कोयला को हाईवा द्वारा उठाकर लोडर की मदद से वापस कोल माइंस पर भेज दिया गया। जब्त कोयला स्ट्रीम कोयला है जिसे व्यापार के उद्देश्य से भंडारण किया जा रहा था। इस मामले में डीएमओ आनंद कुमार ने कहा कि अवैध भंडारण में सम्मिलित लोगों पर एफआईआर किया जाएगा और अवैध भंडारण को रोकने के लिए लगातार छापेमारी की जाएगी। मौके पर उपस्थित माइंस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए। वहीं कोयले के जब्त करने पर स्थानीय ग्रामीणों ने जब्त करने आए अधिकारियों पर आक्रोशित होकर तीखी डोकझोंक के साथ विरोध भी किया। इस छापेमारी अभियान में लातेहार डीएमओ आनंद कुमार, कोल माइंस ऑफिसर, बालूमाथ इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी राजेश मंडल सहित कई पुलिस के जवान शामिल थे। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि माइन से वहां पे कोयला चोरी हो रहा था। फिर हमारे द्वारा चमातू से ओझा टोला में गया जहां पे हमने लगभग 550 टन कोयला जब्त किया है। आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी इस पे? आगे माइन के द्वारा सारे लोगों पे एफआईआर दर्ज किया जा रहा है।